क्या प्रधानमंत्री जी पुणे नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी मणिपुर छोड़कर देश में सभी जगह पर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाए, प्रधानमंत्री पुणे में आ गए, तो पुणे में उनका स्वागत है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी का महाराष्ट्र के साथ एक रिश्ता रहा है, हमेशा इमोशनल रिश्ता रहा है, महाराष्ट्र में काम भी किया है। तो प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये हम नहीं तय करते, वो प्रधानमंत्री तय करेंगे, उनका कार्यालय तय करेंगे, जो उनके इन्विटेशन देते हैं इसी प्रोग्राम का वो तय करेंगे। चुनाव में एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम होने जा रहा है। हिंद स्वराज ट्रस्ट जो लोकमान्य टिळक जी के फैमिली चलाती है और हर साल देश के लिए समाज के लिए जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए वो पुरस्कार दिया जाता है। इस बार प्रधानमंत्री जी को दिया है तो प्रधानमंत्री आएंगे और वापस दिल्ली चले जाएंगे। उसमें इतना बवाल करने की क्या ज़रूरत है मुझे पता नहीं। सर, क्योंकि सवाल ये लोग खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया का जो अलायंस हुआ है वो शरद पवार का बड़ा चेहरा है और लगातार ये क्या लगा। देखिए, आज हमने सामना में इस पूरे विषय पर हमने खुलकर बात रखी है। प्रधानमंत्री जी का पुणे आना हमारे लिए कोई अच्छी बात है कि हमारे राज्य में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बात है विवाद की बात है शरद पवार साहब, क्या शरद पवार साहब ने ऐसे कार्यक्रम को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है और शरद पवार साहब का यह दावा है कि 3 महीने पहले मैंने खुद प्रधानमंत्री को न्योता दिया था इस कार्यक्रम का, तो अगर मैं वहाँ हाजिर नहीं रहूँ तो ठीक नहीं दिखता। प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, निमंत्रक ही हाजिर नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, ये लोगों का कहना है कि स्थिति बदल चुकी है। स्थिति क्या बदली है? प्रधानमंत्री जी हमारे इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं बैठेंगे, हम भ्रष्टाचारियों की जड़ें पूरे जमीन से उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन 1 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके भोपाल के सम्मेलन में सबसे बड़ा हमला किया था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब और उनके जो सभी लोग हैं, अजित पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, छगन भुजबल हो, नाम ले लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता के ऊपर ये आरोप किए थे। 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री का भाषण होने के बाद 2 दिन में सभी भ्रष्टाचार लोग उनके पार्टी में चले आए। कहाँ गया भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका नारा सर? और आज वो सभी नेता एक तो आपके मंच पर है या आपके सामने बैठे हुए हैं। उसका मतलब ये है आप डरा धमका कर अपने पार्टी में लोगों को शामिल करते हैं, ये पहली बात। या दूसरी बात ये है आपके सभी आरोप झूठे हैं, चाहे शिवसेना के ऊपर हो या चाहे एनसीपी के ऊपर हो, आप ये मान्य कर लीजिए कि भ्रष्टाचार के सभी आरोप जो है वो झूठे हैं, इसलिए मैं उनके साथ मंच साझा कर रहा हूँ। ये भाजपा की तरफ से एक निवेदन आना चाहिए, नहीं तो हम कहेंगे जिसके ऊपर आपने भ्रष्टाचार के आरोप किए हैं वो सब आपके साथ ही है। उनका खत्म होने दो। तो अभी आपके साथ वो लेगेसी नहीं, आपके साथ कौन बैठा है? आपके भाजपा के कैबिनेट में कौन बैठा है फिर, जिसके ऊपर आपने कल जो लेगेसी का आरोप किए थे? तो छोड़ दीजिए, ये सब बंद कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।